यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस एके टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर दोस्तों, और माइकल द एलुमिनाटी, माइकल द प्रेसिडेंट के लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में माइकल द प्रेसिडेंट के आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को यार यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा, देखिए आपको पता है पैरेलल वर्ल्ड से ना, पिछले एपिसोड्स में अगर आपने देखा होगा पैरेलल वर्ल्ड में हमारे एक दोस्त आए हैं जो कि मेरे जैसे ही है माइकल दिखने में, ठीक है, और वो पैरेलल वर्ल्ड से दोस्तों हमारे यूनिवर्स में आया है। ठीक है, सेम वो भी मेरे जैसा माइकल है और अभी दोस्तों वो होटल में है। ठीक है, और मैं अपने घर पे आया था तो आपको पता था मेरे घर पे ना दोस्तों इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी लगी हुई थी, इल्यूमिनाटी 12.0। ठीक है, बट यार मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए जितनी भी मेरी गाड़ियाँ थी सारी की सारी स्टॉक यार्ड पर खड़ी करवा दी हैं, और यहाँ पर एक नॉर्मल सिक्योरिटी मैंने अपने घर पर दोस्तों जो है लगवा दी है, कोई भी प्रोफेशनल सिक्योरिटी नहीं। इसके पीछे एक रीजन है, अभी दोस्तों हमने डगन बॉस का ना बहुत सारा गोल्ड यहां पर चोरी किया है, तो आपको पता ही होगा भाई डगन बॉस चुप बैठने वाला नहीं है, और डगन बॉस ना अब दोस्तों यहां पर हमसे बदला ज़रूर लेगा। और भाई बदला लेने के लिए मेरा घर एकदम बेस्ट जगह है और यहाँ पर मेरी करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो भाई उसने सोचा होगा अगर मैं उसकी एक गाड़ियाँ भी चोरी कर लूँगा या फिर ब्लास्ट कर दूँगा तो मतलब काफ़ी नुकसान हो जाएगा। हालांकि बात दोस्तों बिल्कुल सही है, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, तो इसी वजह से गाइज मैंने अपना थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाई है, और गाइज मैंने ना अपनी सारी की सारी जितनी भी गाड़ियाँ थी अपने स्टॉक यार्ड पर खड़ी करवा दी है। ठीक है, बाय द वे जो जो हमारे इस चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग चाहते हैं मैं उनका कमेंट अपने वीडियो के अंदर पढूं तो फटाफट जल्दी जाइए दोस्तों कमेंट कर दीजिए, और आपका वीडियो का कौन सा पार्ट जो भी है फेवरेट था वो भी कमेंट करिए, जोर से बता दीजिए। ठीक है गाइस, तो आप सभी लोग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैं हूं माइकल द एलुमिनाटी, माइकल द प्रेसिडेंट। चलिए गाइस आ जाइए, यहाँ पर बहुत सारी मेरी गाड़ियाँ मैंने खड़ी कर रखी थी, लिटरली बहुत सारी कार्स थी, और अब दोस्तों यहाँ पर एक भी गाड़ी आपको नहीं देखने की मिली क्योंकि भाई मैंने सारी की सारी गाड़ी अपने स्टॉक यार्ड पर खड़ी करवा दी है। ठीक है ना, कैसा लगा आपको, एकदम बेस्ट। और दोस्तों इसी के साथ साथ ना मैंने एक चीज़ और यहाँ पर की है, ये जो मेरे पीछे वाला कॉलेज है ना, इसका ये वाला कैंपस ना दोस्तों बहुत टाइम से खंडर पड़ा हुआ था, तो एक मतलब फिर चल नहीं पाया। ठीक है, तो मैंने इसको भी दोस्तों यहाँ पर अपग्रेड वगैरह करवा दिया, मैंने उसके अंदर क्या क्या कराया मैं आपको भी दिखाऊँगा। ज़रा मुझे प्रेजिडेंट के तौर पर वहाँ एक बार देखने के लिए भी जाना है, और मैंने जो मेरी मेन गाड़ियाँ हैं मैंने कुछ यहाँ पर वही खड़ी कर रखी है, लाइक जैसे कि मेरी रोल्स रॉयस, मेरी पैंथर कार, मेरी पोर्शे, मेरी बुगाटी, मेरी सुप्रा, मेरी जेस्को एवेंडेटोर और निसान GTR, और यहाँ पर ये वाली बाइक RN883। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी फेवरेट है, तो भाई इनको तो मैं हमेशा अपने साथ यहाँ पर रखता ही हूँ। ठीक है, तो एज अ प्रेजिडेंट दोस्तों चलिए चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल मैं अपनी रोल्स रॉयस निकाल लेता हूँ और एक बारी देख कर आता हूँ यहाँ पर अंदर अभी क्या सीन है क्या नहीं कॉलेज के कैंपस में। चलो मैं अकेला ही जाऊंगा, किसी को ले जाने की दोस्तों कोई नीड है भी नहीं। बढ़िया भाई साहब, आपको दोस्तों एक गाड़ी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चलिए भाई साहब, ये रोल्स रॉयस भाई लंबी भी तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको चलाने का भाई थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट तो है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, क्या बात है, नाइस, एक नंबर। फाइनल दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं, ऑल राइट दोस्तों, तो एक काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी को ना यहीं पर खड़ी कर देता हूँ। तो गाइज़ वो कॉलेज का ये वाला कैंपस था, मैं दोस्तों अपनी गन को ना सबसे पहले अंदर रख लेता हूँ, मैं नहीं चाहता भाई लोग बाग बेफालतू में यार यहाँ पर देखे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने कॉलेज में लेकर चलता हूँ। खैर दोस्तों मेरा कॉलेज नहीं है ये, मैंने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है भाई इसके अंदर जो है थोड़े से अपग्रेड्स वगैरह करवाए हैं, तो कैसा लग रहा है दोस्तों अब आपको ये हमारा नया कॉलेज का ये वाला कैंपस, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर जो कि आए हुए हैं, तो चलिए आ जाइए। I'm classically trained.
All right. I'm gonna be living in style off my work, and she'll be teaching. तो सबके सब पहले मेरी बात सुनिए. ये कॉलेज का जो कैंपस बनाया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक इसको यहाँ पर चलाएंगे और कोई भी बंदा यहाँ पर शैतानी वगैरह नहीं करेगा. और जो भी रिव्यूज़ वगैरह है प्लीज़ हमारे ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर बताइएगा. लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट द माइकल द इल्यूमिनाटी, ठीक है. और बाकी आप सभी के लिए हमने और भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जो है प्लान किया है, जो कि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए. ऑल राइट, चलिए. तो गाइज यार, मुझे बस थोड़ी सी यहाँ पर स्पीच देनी थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार यहाँ पर बैठे हुए. चलो बढ़िया. अभी यहाँ पर दोस्तों वो भी आएगा, क्या कहते हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं वो बोलेंगे. दोस्तों यहाँ पर लॉकर वगैरह मैंने बनवा दिया था और ये वाला जो है टीचर्स के लिए, ठीक है. यहाँ पर टीचर्स वगैरह और ये जो है क्लासरूम है. तो किस टाइप का आपको लगा कमेंट करके बताइए. असल में ना दोस्तों ये वाला पहले था नहीं और एज अ खंडर बना हुआ था भाई ये पूरी की पूरी लोकेशन. बट अब दोस्तों मैंने प्रॉपर वर्किंग में यहाँ पर ला दी है तो भाई टीचर्स भी खुश हैं और भाई स्टूडेंट्स भी. यहाँ पर भी देखो ये भी क्लास है और दोस्तों ये भी, ये तो बेसिकली यहाँ का जो हेड होने वाला है ना उसका ऑफिस बनाया गया है. हाँ, हेड का ऑफिस है. बाकी एकदम बेहतरीन. आपको कैसा लगा गाइस? मैंने लॉस सैंटोस के लिए और ये दोस्तों यहाँ पर मीटिंग रूम है, कुछ भी मीटिंग वगैरह करनी है एकदम को कर सकते हैं. और मार्बल के अंदर यार यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं. बाकी यहाँ पर देखो अभी स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हैं, दूसरे लोग आएंगे वो भी स्पीच देंगे. और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है. अभी दो बेसिकली यहाँ की ना दोस्तों जो क्लासेस है ना वो स्टार्ट नहीं हुई है. और चलो मैं आपको दूसरी मंजिल के ऊपर भी दिखाता हूँ, दूसरी मंजिल के ऊपर बेसिकली क्या बनाया. चलो ऑल राइट गाइस, तो चलते हैं दूसरी मंजिल के ऊपर भी. बढ़िया, क्या बात है, एक नंबर, एक नंबर गाइस. और यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर बस लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम है. और बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो है क्लासेस वगैरह ही हैं. आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, ये भी क्लास है. शायद इनके टीचर आ रहे हो तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वगैरह दोस्तों बैठे हुए हैं, ठीक है. बहुत बढ़िया. और यहाँ पर भी दोस्तों स्टूडेंट्स हैं बट इस वाले क्लास में थोड़े कम आए हैं भाई. चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी दोस्तों सारी की सारी क्लासेस वगैरह ही हैं और यहाँ से चाहो तो तुम बाहर भी निकल सकते हो, ठीक है. चार पांच क्लास रूम है दोस्तों जो कि ऊपर बन गए हैं. तो मतलब अच्छी खासी भाई बच्चों की अब दोस्तों यहाँ पर जो है पढ़ाई वगैरह हो जाएगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. अब वैसे दिक्कत लेने की क्या बात, ठीक है. चलो अब फाइनली हम यहाँ से जो है गाइस बाहर निकलते हैं. वेट अ वाइल, क्या बात है, एक नंबर दोस्तों. बाकी दोस्तों आपको कॉलेज का ये वाला कैंपस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए. और दोस्तों ये इसके अलग अलग दरवाजे हैं अंदर वगैरह जाने के लिए. तो भाई मुझे तो देखो गाइस बहुत बेहतरीन लगा है. उससे तो खैर अच्छा ही लगा जो एक पहले टाइम पर यहाँ पर ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी और इस जगह का ना बिल्कुल भी ज़ीरो यूज़ हो रहा था, ठीक है. तो अब दोस्तों कम से कम यूज़ में तो आ रही है ना भाई, मेरे को वही बहुत अच्छी यहाँ पर बात लगती है कि कम से कम भाई ये जगह यहाँ पर यूज़ में आ जाए, ठीक है. तो चलो अभी यार हम ज़रा चलते हैं. ओके, तो ये खड़ी मेरी गाड़ी. ऑल राइट गाइस, चलो हम फिलहाल अपनी गाड़ी में चलते हैं. और अब ना मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से भी आज वाले वीडियो में दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला हूँ. चलो अब जल्दी से चलते हैं. सबसे पहले दोस्तों यार मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ उससे मिलने के लिए, जो हमारा वो है ना अंडर वाटर माफिया वगैरह से तो मिलता रहता हूँ, जो हमारा रशियन माफिया दोस्त है. भाई कितना टाइम हो गया जब से बेसिकली मैंने ना यहाँ पर ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया है ना गन्स वगैरह का, तब से मैं मतलब थोड़ी कमी बातचीत उससे यहाँ पर जो है रहती है. बट मैं सोच रहा हूँ आज यार मैं स्पेशल उससे मिलने के लिए चलता हूँ क्योंकि भाई मेरा जो दोस्त है ना भाई बहुत तगड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा. और गाइस मैंने लेस्टर वगैरह से भी नहीं मिला ना हैकर गर्ल से, बहुत दिन हो गए भाई मैं यहाँ पर किसी से नहीं मिला. सिर्फ और सिर्फ मैं अपने ही काम में दोस्त यहाँ पर लगा हुआ था. बाकी इस वाले घर पे तो मेरे पुरानी बहुत सिक्योरिटी है और बाहर दोस्तों लोगों की लाइन लगी रहती है लिटरली, क्योंकि लोगों को ये पता है कि माइकल डिसेंटा, माइकल द प्रेजिडेंट का जो घर है पुराने वाला वो ये है, ठीक है. और नए वाले घर के बारे में लाइक जैसे कि मेरे जितने भी और घर हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है. तो गाइस मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ना अभी मैं अपने एक घर पर चलता हूँ जो कि दोस्तों मेरा घर है, आपको याद ही होगा. मेरा घर वहाँ पर है, क्या कहते हैं,
पैलिटो बे में, पैलिटो बे में नहीं, सैंडी शोर से आगे एक है नहीं क्या, वो कौन सी जगह है जहाँ पर ट्रैवर का एयरपोर्ट भी है दोस्तों, उस वाली लोकेशन पर मैंने घर बनाया था, मैं आज वहाँ पर जाने वाला हूँ। और वहीं पर ना आपको याद होगा मैंने डेविन वेस्टर्न को भी रखा था छुपा कर, ठीक है। तो भाई वो कोमा में है और मेरे ख्याल से उस बात को ना कम से कम एक महीना हो चुका है, और एक महीने से ना डेविन वेस्टर्न दोस्तों कोमा में ही है। तो मैं सोच रहा हूँ जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी ना है मैं अपने नाम करा लेता हूँ, उसका अंगूठा लगवा कर, ठीक है। तो मैं पहले वो करता हूँ, और जो हमारा दोस्त रशियन माफिया है ना मैं उसको भी दोस्तों वहीं पर बुला लूँगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, चलिए दोस्तों सीधा यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं अपने उस वाले विला पर। खैर वहाँ पर डॉक्टर उसके पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें भी तो जाना है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भाग कर जल्दी से, चलिए गाइस। गाइस तो यार मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा कर चलो यार जल्दी से पहुंच गया हूँ। ओके पैलिटो बे लॉस सैंटोस। एक काम करता हूँ यार, ये ना मेरी रोल्स रॉयस और बहुत ज़्यादा नीचे लगी हुई है, तो भाई मुझे ना इसको सीधे रास्ते के ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी भाई कच्चे रास्ते पे को लेकर गया ना तो भाई मेरी गाड़ी की पूरी शो ख़राब हो जाएगी, और भाई मैं अपनी गाड़ी की शो के साथ भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। ओके तो चलिए आराम से चलते हैं, बहुत बढ़िया भाई। ये गाड़ी दोस्तों फुली ऑटोमेटिक है भाई साहब, कहाँ कहाँ की न्यूज़ बता रही है मुझे पूरे लॉस सैंटोस की। तो फुल ऑटोमेटिक कार है मेरी, चलो अपना आराम आराम से जल्दी चलते हैं। और गाइस क्या आपने रोल्स रॉयस का ये वाला मॉडल अब से पहले देखा है क्या? देखा है तो कमेंट करके ज़ोर से बताओ। चलो बढ़िया, मेरा जो नया वाला घर था वहाँ पर ना मैं एक दो बारी आया था, उसके बाद असल में ना मुझे दोस्तों टाइम ही नहीं मिला। ये था मेरा ट्रॉपिकल विला जो मेरा था। चलिए आराम से अपने विला में चलते हैं। बस यहाँ पर ना एक दिक्कत दे रहा है, ये जो बीच में पेड़ आ रहा है ना दोस्तों, मुझे इस पेड़ को कटवाना पड़ेगा भाई, ये बहुत दिक्कत देता है आने जाने में। एक मिनट में इधर से जाता हूँ, नहीं जा सकता भाई नहीं जा सकता। मैंने भाई जानबूझ के मैंने सोचा, देखो इधर भी पेड़ है, मैंने 200 पेड़ कटवाए नहीं यार, मैं भाई बस क्या ही सोचूं, मैंने सोचा था पेड़ नहीं कटवाना, थोड़ा से इस तरीके से गाड़ी लेकर आनी पड़ती है, पेड़ बीचम बीच आ गया था। अब भाई मैं भी क्या ही कर सकता हूँ यार, देखो यहाँ पर भी पेड़ आ रहे हैं भाई। देखो पेड़ वगैरह कटवाना बहुत ज़्यादा बुरी बात है, और मैं तो भाई देखो इस चीज़ के यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, इसीलिए मैंने दोस्तों ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया अपने घर पर, समझ रहे हो आप। तो चलिए फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, और रोल्स रॉयस को नीचे लेकर चलते हैं। सर ये सबसे पहले तो एक तो लंबी तो नहीं है ना घर के अंदर लेकर आनी, ये बहुत सही वो रहता है। चलो बढ़िया, ओके बढ़िया। तो चलिए गाइस फाइनली हम इस गाड़ी को अपने घर पर लेकर आ गए हैं, एकदम भाई मज़ा ही आ गया, ठीक है। एंड दोस्तों मैंने ना इस वाले घर पर कोई भी सिक्योरिटी विक्योरिटी यहाँ पर नहीं रखी हुई। अब देखो यार दोस्तों सिक्योरिटी रखने का मतलब भी मेरे ख्याल से देखो कुछ बनता नहीं है। अब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रखता, और सिक्योरिटी रखने के बाद बताऊँ क्या सीन होता है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो घर पर सिक्योरिटी रखूँ ना तो लोगों की नज़रों में आएगा, अच्छा भाई इस घर पर सिक्योरिटी रखी हुई है, कुछ ना कुछ इस घर में होगा, और यहाँ पर जितने भी आसपास है ना बाइकर गैंग वाले हैं दोस्तों, ओनियल्स ब्रदर हैं, ये सब ना दोस्तों गुंडे टाइप के लोग हैं, और चोरी चकारी करना तो भाई इनका पेशा है इसीलिए। और यहाँ पर ना डॉक्टर और डेविन वेस्टर्न अकेले थे, इसीलिए मैंने सोचा इस घर को बंद ही करवा देता। तो ये घर ऐसा रहता है, लाइट वगैरह भी नहीं जलती, सबको ये लगता है कि घर बंद पड़ा है, समझ गए। चलो मेरे ख्याल से ऊपर ही होंगे वो लोग, ये देखिए गाइस कितना शानदार लग रहा है भाई, ये पेड़ मैंने बीच में लगवा रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। ओके चलो मैं सबसे पहले दोस्तों जाकर ना डेविन वेस्टर्न से ही मिलना चाहूँगा, और देखता हूँ भाई इस टाइम अभी डेविन वेस्टर्न की हालत कैसी है। भाई मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा क्या? असल में भाई इतनी बार तो मैं इस घर में आया भी नहीं, मेरे ख्याल से यही वाला रूम है। हाँ गाइज यही वाला रूम है, एकदम वो प्रोफाइल लाइट्स देख रहे हो। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, हाँ कोमा में ना इंसान बस अपने हाथ वगैरह हिलाता है, तो ये देखिए दोस्तों इसकी आंखें तो बंद पड़ी हैं, सिर्फ ये हाथ वगैरह हिला पा रहा है, देख रहे हो आप आंखें तो इसकी बंद पड़ी हैं। ऑल राइट डॉक्टर, तो एक बात तो बताइए, ये जो डेविन वेस्टर्न का बच्चा है इसको भी यहाँ पर होश में आने में एटलीस्ट कितने दिन और लग जाएंगे, आपका इस बारे में क्या कहना है? अच्छा
हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो गाइस फिलहाल मेरी यहाँ पर जो डॉक्टर से बात हो चुकी है, एंड डॉक्टर दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो बंदा है ना भाई साहब, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है ना वो इस टाइम इतना लो हो चुका है, कम से कम नहीं तो 7 से 8 महीने तो भूल ही जाओ इसको यहाँ पर होश में लाने के। तो देखो दोस्तों, कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे अभी इसको होश में आने के। हाँ तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कम से कम अभी के लिए तो छुटकारा मिला ना, बहुत सही है, ठीक है। और अभी मैं चाहता भी नहीं कि भाई अभी ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। और इसके साथ ना सारी की सारी प्रॉपर्टी भाई मैं यहाँ पर अपने नाम करा लूँगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो भाई ये तो बात हो गई यहाँ पर डेविन वेस्टन की। और ना दोस्तों अभी यार एक दिक्कत और आ गई है, यहाँ पर रशियन माफिया आ तो रहा है मुझसे मिलने, बट वो दोस्तों ना प्लेन से आ रहा है, एंड प्लेन उतरेगा उस वाले एयरपोर्ट पर, यहाँ पर उतर नहीं सकता, ये भी तो दिक्कत की बात है ना। तो मुझे दोस्तों उसको यहाँ पर लेने के लिए जाना होगा, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको ना यहाँ पर लेने के लिए चलते हैं। चलो बाकी डॉक्टर मैं ना अपने एक मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप इसका ना यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऑल राइट, तो गाइज डॉक्टर बोल रहा है मैं इसका ध्यान रखूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए गाइज हम ज़रा चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले रशियन माफिया को भी यार यहीं पर लेकर आते हैं भाई साहब। असल में ना दोस्तों मैं रशियन माफिया के साथ मिलकर ना, अब तुम्हें पता है मेरे जो इल्यूमिनाटी साइंटिस्ट है ना, अभी दोस्तों थोड़ा ढीला ही काम चल रहा है, ठीक है। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी भी डेवलपमेंट में है, कुछ भी अभी तक रिजल्ट सामने आ नहीं पाया, ठीक है गाइज। तो रशियन माफिया के साथ मिलकर ना मैं कुछ यहाँ पर नए सिक्योरिटी गार्ड्स का जो है दोस्तों यहाँ पर बंदोबस्त कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ भाई, बस हो ही जाएगा। रशियन माफिया ने तो बोला है कि 1 हफ्ते का टाइम दे मेरे को और हो जाएगा, मैंने फ़ोन पर बात करी थी। बाकी अब दोस्तों आप सभी लोगों के सामने ना एक बार यहाँ पर रियल में बात कर लूँगा, तो उससे क्या होगा एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर जो है दोस्तों पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट गाइज, बस यार यहाँ से जो पेड़ वाली लोकेशन है ना, यहाँ से गाड़ी निकल तो जाती है, ऊपर ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो बाकी सीसीटीवी कैमरास तो भाई यहाँ पर 24 घंटे चलते रहते हैं, तो उसकी तो देखो यहाँ पर कोई टेंशन है ही नहीं। चलो गाइस यार अब अपनी गाड़ी को हम भगाते हैं फुल स्पीड के अंदर, और अपनी कार को ना दोस्तों फुल स्पीड में भगा कर हम यहाँ से लेकर जाते हैं दोस्तों। चलिए गाइस, क्या बात है, मज़ा ही तो आ गया भाई, बढ़िया। चलो दोस्तों क्या बात है, एक नंबर एक नंबर। तो चलिए गाइज अब मैं सीधा ना आपसे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही मिलूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या वैसे क्या ही देखोगे आप, ठीक है ना। चलो बढ़िया, एंड मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये देखो गाइज यहाँ पर ये बाइकर गैंग वाले भाई, आज तो बाइक वगैरह भी कुछ खड़ी नहीं बाहर। बाइकर गैंग वालों का बहुत तगड़ा बेस है, बहुत ज़्यादा तगड़ा बेस, और भाई यहाँ पर खुल के ऐश करता है वो लोग। चलो कोई नहीं, देखेंगे बाद में, अभी तो चलिए दोस्तों सीधा हम यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर उसको लाने के लिए, कौन है वो रशियन माफिया को, ठीक है। चलिए, नहीं यार पागल है क्या तू, कम से कम मेरे को बता तो देना चाहिए था ना। हाँ वो बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। तो गाइज यार यहाँ पर फाइनली मेरा दोस्त जो है रशियन माफिया आ चुका है, एंड गाइज ये देखो यहाँ पर इसका प्लेन खड़ा है भाई साहब। ये बंदा यार यहाँ पर, असल में ना उधर बारिश नहीं हुई है गाँव के इलाकों में, जो मेन चीज़ बताओ क्या होती है, जो पहाड़ की तरफ जो गांव होता है उनमें मेन चीज़ ये होती है कि ये जो होती है ना गाइस, क्या कहते हैं, बारिश का जो मौसम होता है, कहीं कहीं पर बारिश होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है, तो वो सीन दोस्तों यहाँ पर जो है चलता रहता है, ठीक है। तो गाइस फाइनली मेरा भाई यहाँ पर रशियन माफिया आ चुका है, ये बोल रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा थी और उसी वजह से मैं आ नहीं पाया, और दोस्तों वहाँ पर देखो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ भी पड़ चुकी है, क्या बात है। तो चल आ जा मेरा भाई, अब चलते हैं दोनों। वैसे मैं इसको ये बोल रहा था जो छोटा वाला प्लेन है तो ये तो तू वहाँ पर भी उतार देता, बट भाई इसकी माई बाकी मर्जी, क्या ही बोल सकते हैं हम इसको भी। चलो क्या बात है, ओके क्या बात है भाई, गाड़ी के भाई 4 इंडिकेटर जलने के बाद भाई लुक ही चेंज हो जाता है। एंड गाइस बारिश तो भाई देखो हुई है काफ़ी अच्छी खासी, ये देख लो आप सभी लोग, और मेरे ख्याल से इतने उधर भी हो गई होगी पिछले रोड पर भी। हाँ असल में ना गाइज सीन कुछ ये भी हुआ, मैं ना पहले बार में भी चला गया था यहाँ पर, ठीक है, और मुझे थोड़ा वहाँ पर टाइम लगे क्योंकि इसने बोला था कि बारिश आ रही है अभी इस इलाके में, तो मुझे आने में थोड़ा भी थोड़ी देर में प्लेन लैंड करूँगा क्योंकि मुझे नीचे का दिख नहीं रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए भाई इस काम में, 2 घंटे समझ रहे हो तुम, बट फाइनली अपना भाई यार यहाँ पर आ गया है। चलो जल्दी से हम यहाँ पर जो है चलते हैं और निकलते हैं गाइज। वेट अ सेकेंड,
बाइकर गैंग, तेरी ऐसी की तैसी, मैंने क्या किया? उस तेरी भाई 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 भाई, तो मैंने क्या किया भाई? इन्होंने मुझे देखते ही गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आ जा भाई, देखी जाएगी रशियन माफिया, देखी जाएगी, पेल के रख दे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने भाई गोली चलाई कैसे मेरे ऊपर? तुमने गोली चलाई कैसे मेरे ऊपर? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। गाइस इन्होंने मेरे ऊपर, ओ भाई 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 भाई, ओ यार ये गाड़ी वाला देखो क्या करके गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे अपनी गाड़ी का कवर लेकर चलना चाहिए। ऑल राइट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पुलिस आ रही है क्या? तो भाई पुलिस को भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली यार। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो गाइस पुलिस वाले भी आ गए। निकलो 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 तुम्हारी ऐसी की तैसी, डेढ़ के बीच तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी। तो भाई पुलिस के हेलीकॉप्टर आ गए। ओ गाइस पुलिस को ये नहीं पता भाई, ये पुलिस को लग रहा है कोई क्रिमिनल है। रुक जाओ, पुलिस वालों को भी फिलहाल अभी मुझे संभालना होगा। हाँ भाई निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो पुलिस वाले फालतू में दखल अंदाजी देने आ गए हैं भाई। ओ भाई अभी यहाँ पर इन लोगों को पता तो नहीं है कि भाई कौन है ये। सबको ये लग रहा है कि भाई कोई गुंडे घुसाए हैं। निकल तेरी ऐसी की तैसी। ये बाइके वाइके क्या खड़ी कर रखी है तुमने? तो भाई बाइके तो बड़ी मजबूत खड़ी कर रखी, तो मैं बताऊंगा तुम्हें तो। ओ तेरी नाइस, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। चल भाई रशियन माफिया पेल के रख दे, इन डेढ़ के बीचों को तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी भाई साहब। ये बंदे इतने बन के दिखा रहे हैं इनकी ऐसी की तैसी। चलो बढ़िया 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 भाई साहब, मतलब कितने बन के दिखा रहे थे। निकलो, ओके चल 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 आजा, चल रशियन माफिया जल्दी आ वरना पुलिस को पता चल जाएगा। लॉस एंजेलस का प्रेजेंट ये सब कर रहा है। चलो दोस्तों अब हमें भागकर यहाँ से जो है सबसे पहले निकलना चाहिए। अपने चेहरा छुपा के अभी भाई उन थोड़े लोग ऊपर है बचे हैं उनको छोड़ो अभी। चलो सबसे पहले यहाँ पर पुलिस को ये लग रहा है कि हम चोर हैं। अरे जल्दी आ, बैठ 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 गाड़ी में, बैठ गाड़ी में, बैठ गाड़ी में, बैठ चल चल चल। फाइनली दोस्तों उस लोकेशन से तो निकल चुके हैं। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, जब पुलिस को पता चलेगा तभी ना। अबे भाई इस गाड़ी का तो वैसे भी वाकई में दोस्तों को यहाँ पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बढ़िया भाई मुझे बहुत, निकल तेरी ऐसी की तैसी। बढ़िया, अगर मैं पकड़ा गया ना तो भाई लोग ये सोचेंगे भाई लॉस एंजेलस का प्रेसिडेंट ऐसी ऐसी हरकतें करता है, बाकी हमारे घर में कोई नहीं आ सकता। फंस गई पर, ओ तेरी भाई, चल 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 बढ़िया आराम से, बाकी लोग दोस्तों ऊपर तो आ नहीं पाएंगे। भाई मैंने क्राइम भी तो बहुत तगड़ा कर दिया। चल 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 अंडरग्राउंड हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया हो गया हो गया। चल 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 गाड़ी में बैठे रहते हैं दोस्तों। अब मेरे हिसाब से बस अब कुछ नहीं होगा, अब बस बस आ जा। गाइस कितना तगड़ा भाई वो सब कुछ हुआ यार, ये देख रहे हो तुम। अभी भी मेरे ऊपर ना भाई केस हो रखे हैं, ठीक है, बट अभी ख़त्म हो जाएंगे। रुक जाओ चलो मैं सबसे पहले ऊपर चलता हूँ। बढ़िया, जब कोई देख ही नहीं पाएगा ना ही ढूंढ पाएगा मेरे को, फिर करेगा ही क्या। असल में मुझे बाहर जाकर देखना तो चाहिए। हेलीकॉप्टर यहीं उड़ रहा है घर के आर पार,
उड़ रहा है हेलीकॉप्टर भाई। लोगों को ये तो दिख रहा है कि भाई मैं इस घर में घुसा हूँ, बट किसी की हिम्मत नहीं हो रही घर में घुसने की। और किसी भी वक्त भाई मेरे जो ऊपर ये केस वगैरह लगे हुए ना भाई, ये हट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। दिक्कत लेने की तो देखो बात है नहीं, बट फिर भी यार अबे जाऊँ ना। ऑल राइट गाइस, फाइनली वो दोस्तों सारे के सारे पुलिस वाले जा चुके हैं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बट बाकी यार ये बाइकर गैंग वालों के चक्कर में हुआ है भाई जो भी हुआ है। तो चलो आ जाओ, बाकी डॉक्टर तो ये हैं। एक बारी मैं एक काम करता हूँ, रशियन माफिया को भी यार यहीं पर बुला लेता हूँ और फिर हम यहाँ से निकले। नहीं मेरे भाई, रशियन माफिया तेरी बात तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, बट बात ये भी तो है ना कि जो मैंने तेरे को यहाँ पर काम बोला है, काम टाइम पर भी हो जाना चाहिए। और भाई इसको होश आने से पहले जितनी प्रॉपर्टी है सारी नाम हो जाए। हाँ बिल्कुल डन। तो गाइस फाइनली मेरी यहाँ पर जो है रशियन माफिया से बात हो चुकी है, और रशियन माफिया मेरे को भाई ये बोल रहा है कि भाई माइकल बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन मत ले, तेरी जो यहाँ पर सिक्योरिटी है ना वो यहाँ पर आ जाएगी, पूरे 2-3 दिनों के अंदर तेरी नई सिक्योरिटी आ जाएगी, तुझे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भाई डगन बॉस को भी हम यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों रही दूसरी बात, तो जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उसके जो अंगूठे लगवाने हैं डेविन वेस्टन के, वो काम यहाँ पर रशियन माफिया करने वाला है। और सारी की सारी प्रॉपर्टी दोस्तों उसकी ना मेरे नाम पर हो जाएगी, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल आने वाले एक हफ्ते के लिए ना भाई रशियन माफिया मेरे इसी घर पर रहेगा, ठीक है। चल मेरे भाई रशियन माफिया, जल्दी से जा अपने कपड़े वपड़े चेंज कर ले, ठीक है। और फिलहाल अभी ना मुझे वो पैरेलल वर्ल्ड से जो दूसरा माइकल आया ना उसके पास भी जाना है। असल में मुझे ना उसके हिस्से की ना एक उसको गाड़ी देनी है यहाँ पर, जो कि गोल्ड कार है। आपको याद ही होगा हमने गोल्ड मेल्ट करवा के ना कल उसको डेविड को दे दिया था, और डेविड ने दोस्तों 10 यहाँ पर गाड़ियाँ बनवा दी हैं। तो उसमें से एक गाड़ी ना दोस्तों मुझे यहाँ पर दूसरे उसको माइकल को यहाँ पर देनी है, और उसे यहाँ पर उसके वर्ल्ड में भेजूंगा, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और बाकी अपना दोस्त रशियन माफिया फिलहाल अभी दोस्तों यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, बट रशियन माफिया मुझे कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ना वो ब्लैक वाली रोल्स रॉयस में ही देख ली। तो मैं एक काम करूंगा दोस्तों, फिलहाल रास्ते से ही कोई गाड़ी चोरी कर लूंगा, आगे जाकर चेंज कर लूंगा, ठीक है। चल मेरे भाई ठीक है, मिलता हूं मैं तेरे से। ओके तो चले गाइस हम जरा चलते हैं, मैं मेन डोर से तो जाऊंगा नहीं, मैं पीछे वाले रास्ते से जाऊंगा। ओ भाई 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 भाई, बहुत अच्छा हुआ मेरे पास इल्यूमिनाटी लॉकेट है, वरना तो भाई आज कांड हो गया था। चलो बढ़िया, चल मेरे भाई, चल 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 चल। ओके तो गाइस मैं यहां से सीधा जाऊंगा, मेरे को ना रोड से कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी, और मैं उस गाड़ी को लेकर सीधा 200 लॉस सैंटोस के लिए भी निकल जाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना किसी गाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ जो कि मेरे को रोड पे से मिल जाए। असल में अगर मैं उस वाली गाड़ी में गया ना तो भाई लॉस सैंटोस का प्रेजिडेंट था ये, तो कहेंगे कुछ नहीं, बट अपनी इमेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पुलिस वालों के नज़रों में। चलो कोई गाड़ी वगैरह चोरी करते हैं, उधर खड़ी हुई दिखी मेरे को एक गाड़ी, तो भाई फ़िलहाल तो अभी यहीं से कोई ना कोई गाड़ी उठानी पड़ेगी लॉस सैंटोस जाने के लिए। मैं अपनी रॉल्स रॉयस लेकर चला जाता, बट भाई पुलिस चप्पे चप्पे पर खड़ी होगी और वो एकदम देख लेगी। ओके भाई, अगर इसको पता चला ना लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने इसकी गाड़ी चोरी करी है, ये जो भी मैडम मैडम है भाई, बहुत बुरा लगेगा। चिल्लाने लग जाएगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आराम आराम से। Shit! ये मरी नहीं है, ठीक है, जस्ट इसका दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा दिमाग थोड़ी देर के लिए सो गई है। मैंने करंट ही लगाया वरना चिल्लाने लग जाती बेफालतू में, इसकी गाड़ी में लेकर जा रहा था। और भाई मुझे अभी तक लॉस सैंटोस भी तो जाना है ना, तो भाई जल्दी जाना होगा। एक काम करता हूँ, इस वाले रास्ते पे ना दोस्तों पुलिस खड़ी हो सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं फ़िलहाल ना ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से ही चलता हूँ। इस वाले रास्ते पे ज़्यादा पुलिस दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलेगी, बट भाई उधर तो ज़्यादा ही पुलिस होगी। चलो अब इधर से निकलते हैं जल्दी से, हम अपनी गाड़ी को ना बहुत आराम आराम से लेकर जाना है। चलो बढ़िया, ताकि दोस्तों यहाँ पर किसी को कानो कान खबर भी ना हो, ठीक है, और हम अपनी मंजिल तक पहुँच भी जाएं, समझ रहे हो तुम क्या करना है क्या नहीं। आराम से
बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया। नाइस, मज़ा ही तो आ गया दोस्तों, मज़ा ही तो आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ से तो हमें दोस्तों बस बिल्कुल सीधे सीधे जाना है, और हम दोस्तों यहाँ से तो अपना पहुँच ही जाएगी अपनी उस लोकेशन तक। अब ज़्यादा मतलब वो नहीं होने वाला कि मतलब परेशानियों का जो सामना पहले करना पड़ रहा था, अब वो नहीं करना पड़ेगा, हम खुद यहाँ पर जो है आराम से निकल जाएंगे। चलो चलो, हमें असल में ना अपनी गाड़ी को बहुत प्यार पे मोहब्बत से लेकर जाना है, ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो दोस्तों सारा का सारा कांड ही हो जाएगा। अब चलिए जल्दी से दोस्तों मैं यहाँ पर चलता हूँ डेविड के पास, और वहाँ पर उसने भी गाड़ियाँ वगैरह तो खड़ी करी रखी होंगी ना, वहाँ पर देखेंगे अपना गाड़ियों वगैरह का जो भी यहाँ पर कलेक्शन वगैरह फिर जो भी सेट वगैरह होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों लॉस सैंटोस के लिए। नहीं नहीं डेविड यार, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो जस्ट रशियन माफिया ना यहीं पे वाई सिटी तक गया था उससे लूसिया और जेसन से मिलने के लिए, तो अपने नेक्स्ट प्लान में आने वाले हैं वो भी। हाँ बाद में करेंगे उस बारे में बात। तो गाइज यार फाइनली मैं यहाँ पर दोस्तों डेविड के पास आ गया था, कुछ हमारी पर्सनल बातें हो रही थी, ठीक है। ये ज़रा रशियन माफिया के बारे में इसने कुछ सवाल जवाब किए, तो गाइज मैं सबसे पहले ना इसी के पास आ गया था, और जो कल हमने यहाँ पर भाई इसको गोल्ड दिया था ना, उसकी भाई इसने यार यहाँ पर 10 गाड़ियाँ बनवा दी हैं, ठीक है। तो भाई जोन सी मैंने इसको यहाँ पर लैम्बोर्गिनी बनवाने के लिए बोला था ना भाई, इसने वही वाली यहाँ पर बनवाई है, और भाई ये सारी की सारी जितनी भी लैम्बोर्गिनीज हैं भाई प्योर गोल्ड की बनी हुई हैं। तो भाई इन सभी गाड़ियों में से 9 गाड़ियाँ तो देखो भाई मेरी यहाँ पर रहने वाली हैं, मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को दूँ किसी को भी दूँ भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं एक गाड़ी उस दूसरे माइकल को यहाँ पर जो है दोस्तों देने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़ोर से बताइएगा। तो एक काम कर दो ज़रा, मैं ना गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और एक भाई ना गाड़ी को टेस्ट हो जाए। नाइस, इंडिकेटर चल गए क्या फ्रंट की? इसमें DRL जल रहा है बट काफ़ी हल्का है भाई, लाइट्स तो ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी की हैं। अब भाई देखो प्योर गोल्ड की गाड़ी तो ऐसी बनती है, चलो कोई ना। नाइस भाई, सोने की कार कितनी ज़्यादा चमक रही है, क्या बात है भाई, कितनी चमक रही है गाड़ी। चलो अब देखते हैं गाड़ी, देखो चमकने में अच्छी है, हॉर्न वगैरह भी अच्छा है इसका। इंजन भी अच्छा लगाया भाई डेविड ने, जो बात है 5, 6, 7 एग्जॉस्ट है, और 7 के 7 वर्किंग में, देखो फायर निकल रही है 7ों से। नाइस, चलो भगा कर देखूं। ब्रेकिंग और हर चीज डेविड ने एकदम परफेक्शन के साथ बनाई है। कुछ वार्निंग आ रही है गाड़ी की जब ये वो कट मार रही है, पता नहीं क्या वार्निंग दे रही है इस पे, मीटर पे हट गई। साढ़े 7,000 RPM तक खींच रहा है गाड़ी का इंजन। भाई टॉप स्पीड भी बहुत है, 400 के आसपास जा रही है गाड़ी की टॉप स्पीड, 400 के आसपास, लिटरली 400 की टॉप स्पीड गाइस। चलो नाइस, बढ़िया, अब चलो वापस लेकर चलते हैं इसे। भाई गाड़ी बहुत तगड़ी है भाई,
भाई गाड़ी तगड़ी हो भी क्यों ना, डेविड बनाने वाला कितना तगड़ा है वो तो देख लो तुम। भाई थोड़ा सा ना रुक जाना, मुझे थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि भाई गाड़ी कहीं ठुक ना जाए। ओ भाई क्या बात है भाई, भाई साहब मतलब के मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी खतरनाक स्पीड है भाई गाड़ी की। चलो नाइस, चलो बढ़िया। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली यार दोस्तों हम यहाँ पर कार्स को लेकर पहुँच गए हैं इस लोकेशन पर, एक नंबर। एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को ना थोड़ा आराम से लगा देता हूँ। एंड गाइस फाइनली यार मैं गाड़ी को यहाँ पर लेकर आई हूँ, एंड कितनी खूबसूरत भाई सारी की सारी कार्स लग रही है दोस्तों, एक बार ये तो देखिए गाइस। तो यार फिलहाल अभी ना मेरी दोस्तों यहाँ पर बात हो चुकी है, वो जो दूसरे यूनिवर्स से दोस्तों यहाँ पर माइकल आया हुआ है ना, फिलहाल मेरी भी उससे बात हो चुकी है। और दोस्तों उसने यहाँ पर मुझे बताया कि वो अभी फ़िलहाल होटल के अंदर ही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई मैं उसको यहाँ पर एक सरप्राइज़ दूँ और मैं उसको लेकर बेसिकली इसी लोकेशन पर आने वाला हूँ। बट मैं ना गाड़ी लेकर जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर पड़ेगा। ऑल राइट गाइज, तो जो गोल्ड वाली कार है ना, फिलहाल हम एक काम करते हैं इसको लेकर चलते हैं। चलिए बढ़िया, क्या मस्त गाड़ी लग रही है भाई, बढ़िया। चलो क्या गाड़ी लग रही है भाई, आप इसकी आवाज़ सुनिए। और भाई जब मैं अब इसको गाड़ी देने वाला हूँ ना, तो भाई वो बंदा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होगा, मतलब उसने ना इतनी जल्दी यहाँ पर दोस्तों सोचा भी नहीं होगा कि भाई मैं उसको यहाँ पर गाड़ी वगैरह गिफ्ट करने वाला हूँ लिटरली यार। चलिए दोस्तों अब जल्दी से हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं बस ये चीज़ यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मतलब उस बंदे का यहाँ पर क्या रिएक्शन रहने वाला है भाई ये गाड़ी देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैं गाड़ी को ना फुल स्पीड में भगाता हूँ। ओ तेरी, यही तो बात है, ये देखना, ये देखो अगर गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच भी आ जाए, ये देखो यही तो बात है भाई इस गोल्ड की। असल में ना जैसे नॉर्मल आयरन की गाड़ियां बनाई जाती हैं, स्टील तो बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता, लोहा ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो भाई उस लोहे की चद्दर के हिसाब से ना भाई ये वाली गाड़ी बहुत मज़बूत है। चलो गोल्ड की चद्दर ज़्यादा ख़तरनाक रहती है। और लाइट्स वगैरह तो देखो भाई गाड़ी की किस टाइप की चल रही है, एकदम मज़ा ही तो आ गया। चलो बढ़िया, क्या बात है। ऑल राइट, तो हमें दोस्तों फिलहाल अभी जल्दी से ना माफिया होटल जाना है। क्या बात है, मैं दोस्तों फाइनली माफिया होटल पहुंच गया ऑलमोस्ट भाई। माफिया होटल ये रहा भाई, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस गाड़ी के ना थोड़े गियर वगैरह अटकते हैं, तभी तो ऐसा होता है। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, फिलहाल के लिए ना मैं इस गाड़ी को सामने वाली पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ उस बंदे का भी यहाँ पर रिएक्शन किस टाइप का है। चलिए बढ़िया, चलो ऑल राइट गाइस, तो चलिए अब यार हम यहाँ पर सीधे चलते हैं होटल रूम में और उससे यहाँ पर मिलते हैं भाई माइकल डिसेंटा से। खैर गाइस माइकल इल्यूमिनेटी माइकल डिसेंटा से मिलेगा तो भाई क्या ही बात है। और मुझे प्रेपरेशन ये भी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल भी करवानी है कि वो बंदा यहाँ पर अपने सर्वर के अपने यूनिवर्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी इस गाड़ी को लेकर जा पाए। बट यार उसके लिए करना क्या होगा अभी तो देखो, उस बारे में मुझे भी यहाँ पर नॉलेज नहीं है, या तो मैं हैकर गर्ल से पता करूँगा या फिर अंडरवाटर माफिया से। मेरे को फ़िलहाल अभी खुद नहीं पता कि भाई वो अपने यूनिवर्स में उस गाड़ी को लेकर जा कैसे पाएगा, या तो मुझे उस बाबा से यहाँ पर मिलना पड़ेगा जो दोस्तों ऐसे यूनिवर्स के पोर्टल्स वगैरह का यहाँ पर काम करता है और वो खोलता है, ठीक है। चलो आ जाओ,
फाइनली गाइज हम यहाँ पर बिग माफिया के होटल में पहुँच चुके हैं। अब ये किसी दुबई शेख का है, ठीक है, ये बिग माफिया का होटल नहीं है। एक टाइम पर बिग माफिया का हुआ करता था बट अब नहीं है गाइज। चलिए ऑल राइट, तो माइकल मेरे हिसाब से अपने रूम में ही होने वाला है। आओ पियो ऐसे करो मित्रों दिल पर। हेलो बड़ी, हेलो हेलो, कैसा है यार? मैं बढ़िया। बर्गर खाएगा क्या? अरे बड़ी मैं बर्गर वगैरह खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ, आ जाओ। सरप्राइज मेरे को? ओह क्या बात है दोस्तों, मैं सरप्राइज के लिए हमेशा रेडी होता हूँ दोस्तों। तो और मेरा जो वेट के चक्कर में ना, बात तो सुन, जो मैंने काम बोला था वो काम हो गया? तेरा सारा काम हो गया, मैंने कमरे में ही रखा है तेरा सामान, मैं दे दूंगा तुझे। जा उठा कर ला ना अभी। अरे अभी नहीं, बाद में ले लियो ना यार। क्यों? कॉमेडी करता है दोस्तों। नहीं अभी ले आना मेरा सामान यार। नहीं 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 बाद में ले लियो भाई, अपना सामान, थक गया हूँ यार मैं, इतनी दूर से आया हूँ। चल अच्छा, घर तेरे घर से होके आया मैं। अच्छा घर पे गया था मेरे यार, उस वाले घर पे, तो पुराने वाले घर पे तो फिलहाल मीडिया वगैरह ही खड़ा होगा बाहर बहुत। हाँ हाँ हाँ, मैं वहाँ गया ना। हाँ वैसे तो मीडिया वगैरह खड़ी थी, बहुत पब्लिक आ रखी है भाई। अच्छा अच्छा, अरे इसीलिए मैं ना उस वाले देखने के लिए आया था मैं ना उस वाले घर पर ना अभी फिलहाल इसीलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी ना वहाँ पर मीडिया वाले इतने ज्यादा हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, समझ रहा है ना तू? हाँ सही कह रहा है। चलो जाकर रे, क्या सीन है? अरे भूल गया क्या कल वाला सीन? ना मुझे क्या रहा उसका? किसका? तो कल गाड़ी छोड़ के, वो गोल्ड छोड़ के आए हम, तैयार होगी ना? वहाँ पर खड़ा हुआ क्या कर रहा है? इधर आना। अरे यही तो खड़ा मैं, ये ले आ रहा। ठीक है चल आ जा जल्दी से। देख मेरी बात सुन, वो जो गोल्ड है ना भाई, उस गोल्ड का देख मैंने सीन यहाँ पर कुछ ऐसा किया है, वो जो गोल्ड है, वो जो गोल्ड है तेरे को यहाँ पर जो है मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, समझ रहा है? बहुत तो अच्छे तरीके से मतलब कैसे? देख मैं बताता हूँ तेरे को, अब जैसे मानने की बात गोल्ड है, ठीक है, तो जो गोल्ड है ना उसकी गाड़ियां बन चुकी हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक वाली, समझ रहा है? माय गॉड, बल्ले बल्ले, तो सावा सावा दोस्तों, जिस चीज का मुझे इंतजार था। हाँ वही चीज यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो चल आजा अब जल्दी से। चल ना फिर, चल आजा। ऑल राइट गाइस, तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको एक चीज दिखाने वाला हूँ, फटाफट आ जल्दी से। हिल नहीं पा रहा मैं, तू दिख ना यार भाई, मैं तेरे को यहाँ पर बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ, जल्दी आ भाई, ये मेरे को सरप्राइज। ओ ओ भाई क्या है बंदे, इसकी टैट पर छोड़ो यार, क्या ही रोकना गाइस किसी को, जाओ ले जाओ गाड़ी, पीट पूट देता, ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे भाई? आ जा आ जा। ओ भाई बैठ बैठ, जो मैं सुनना चाहता हूँ बोल दे एक बार। अरे वो मैं बोलूंगा, पहले गाड़ी में बैठ अभी। जो तू भाई, ये वही है ना हमारे वाले सोने की? नहीं वो हमारे वाले सोने की नहीं है, पागल है क्या? ठीक है किसी की नहीं आ रहा, आ जा बैठ जल्दी आ। ऑल राइट गाइस, मुझे मैं एक सेकंड फोन चला लूँ, एक सेकंड रुक जा। अच्छा ठीक है, तो गाइस यार अभी ना ये फोन वगैरह चला रहा है, आई डोंट नो भाई, पता नहीं फोन के अंदर ओमी टीवी या फिर ओमेगल, पता नहीं क्या क्या चलाता रहता भाई ये माइकल। जो लिंक दिया था मैं वो चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी चलाने क्या जरूरत है भाई, जल्दी आना। अरे अरे अरे, मेरी जो फेसबुक अकाउंट था ना, हाँ वो अकाउंट लॉग आउट, टाइम आउट हो गया, तो वो कनेक्ट हो रहा है, फटाफट जल्दी आ यार। हाँ लिया लिया, बस एक सेकंड दे ना मुझे, एक काम करने दे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, कोई एक मिनट में आ लिया मैं, एक मिनट में। ऑल राइट गाइस, चलो यार इसको आने दो, इतने में यार यहाँ पर जो है बाहर खड़ा हो जाता हूँ। एंड यार यहाँ पर ये जो बंदे हैं पता नहीं मतलब किस टाइप के हैं, अपनी गाड़ियाँ वगैरह दोस्तों यहाँ पर छोड़कर चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे इन गाड़ियों को भी साइड वगैरह लगवा कर खड़ी करनी होगी। ओके तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल लोगों के जाने के लिए फिलहाल काफी अच्छा रास्ता है, एक काम कर दो भाई, इस लैम्बो के ऊपर भी कुछ ना लग जाए तो मैं एक काम कर दो, इसको थोड़ा सा पीछे ले आकर खड़ी कर देता हूँ इधर ही। भाई माइकल डिसेंटा आ जा यार। हो गया भाई, हो गया, बस आ गया, जल्दी आ यार। तो गाइस सेकंड दे दे, मैनू पता है तन्नू कॉल करनी है, आ जा भरावा जल्दी आ यार। माइकल डिसेंटा किसको कॉल करनी है? तुझे करनी होगी कहीं तो। अरे मुझे यार उसको करनी है ना, मेरे बेटे जिमी को। हाँ कोई नहीं, तेरे बेटे के पास मैं जाऊँ, मुझे पापा बोलने लग जाएगा वो। अच्छा हाँ। नहीं यार नहीं, तू मत जा फालतू में, यहाँ पर भकेड़ खड़ी हो जाएगी, तेरे जैसा पागल बेटा नहीं है मेरा, जैसा तेरा बेटा पागल है ना, ऐसा नहीं है मेरा बेटा ना, बहुत स्मार्ट लोंडा सा है, तेरे को क्या पता उस चीज के बारे में। आ गया मैं, देख कहाँ तू? भाई मैं इधर ही तो खड़ा हूँ, कहाँ से क्या मतलब है तेरा, पागल हो गया क्या अभी? तो तू पीछे था, कहाँ गया? अरे अरे वो तो एक कॉल आ गई थी बहुत इंपॉर्टेंट, तो मुझे जाना पड़ा, आ गया मैं। हाँ तो जल्दी आना भाई, क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर तेरा पार्किंग के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ लिया रे। तो गाइस यार देख तो रहा नहीं, मैं पार्किंग के अंदर भी आ गया भाई।
अरे आ गया मेरे भाई, आ गया। तेरे को पता है मैं वहाँ पीछे की साइड हूँ। कौन से पीछे की साइड? अरे तेरे को समझ ही नहीं आएगा, मैं पार्किंग के, ये पीछे पार्किंग की साइड है ना। हाँ पार्किंग की इधर पीछे पूल है। हाँ ठीक है, ये देख पूल की साइड हूँ, यहाँ पे बंदे भी हैं, यहाँ पे पूल साफ किया जा रहा है दोस्तों पर। चलो ठीक है, मेरे को आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है तेरी, मैं रुक बाहर ही आता हूँ, रुक जा। देखिए जरा यहाँ पे कहाँ पूल पाल साफ किया जा रहा है। तू उस साइड आ जा। किस तरफ हूँ? तू आ जा भाई यहाँ, क्या कहते हैं इसे, जहाँ पे अपना ये है ना भाई होटल, वहाँ आ जा। हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ। तो चलिए गाइस यार, अभी तो मैं इधर था, पता नहीं यार बेवकूफ़ बंदा कैसा है, किससे फ़ोन पर बात कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, आई डोंट नो यार। मेरी तो देखो समझ से बाहर है सारी की सारी बातें। कहाँ है भाई? मैं होटल के बाहर हूँ। यो रहा, बैठ जल्दी गाड़ी में यार। यार पहले एक बात बता। हाँ मैं जो पूछना चाहता हूँ। हाँ ये हमारे वाले गोल्ड की ही गाड़ी है ना? अबे नहीं भाई नहीं, पहले गाड़ी में बैठ जल्दी। अरे यार दोस्तों तू मेरे को सरप्राइज भी तो देने वाला था। दूंगा तेरे को सरप्राइज दूंगा। लेट्स गो दोस्तों, मैं माइकल दी इल्लुमिनाटी के साथ। यार तेरे बाल उड़ रहे हैं क्या? तेरे भी उड़ रहे हैं। मेरे बाल नहीं उड़ सकते दोस्तों, देख लो इसके बाल उड़ रहे हैं मेरे में, देखो देखो जरा मेरे में, तेरे में उड़ रहे हैं भाई। ओ मतलब दोनों को तेल लगाने की जरूरत है। चलो कोई नहीं, ठीक है चलो चलते हैं। हाँ समझ रहा है तो इस चीज के बारे में दोस्तों, समझ गई थी बात पर। लाइक दोनों को ना, दोनों को तेल लगाने की जरूरत है। अभी हम जा रहे हैं, तेल लगा देंगे दोस्तों। शायद तू कल मेरे साथ उस लोकेशन पर गया भी होगा। अरे मैं गया तो था, वहाँ जा रहा है क्या? जहाँ तू वो हमने गोल्ड का वो पिघला के खड़ा था, जहाँ पर हमने गोल्ड पिघला के रखा था। फिलहाल हम अभी उसी लोकेशन पर जा रहे हैं। ओके ओके, तो दोस्तों हम जा रहे हैं और सारी गाड़ियाँ रेडी होगी ना? हाँ हाँ, अभी सारी बातें रस्ते में ही पूछ लेगा क्या भाई? चल ठीक है भाई, अब मैं चुप रहता हूँ दोस्तों, ये मेरे को सरप्राइज देना चाहता है। जब मैं अंदरूनी बात है ना दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ क्या चीज है, क्या मतलब कौन सी अंदरूनी बात है, तू कहना क्या चाहता है भाई? तो तेरे दिल की बातें जो तू कहना चाहता है, जो अभी छुपा रहा है तू भाई। मैंने तेरे से कुछ बातें नहीं छुपाई, समझ रहा है ना? तू कहना चाहता है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हाँ तो मतलब इससे इसका मीनिंग क्या है? ये तो गाना गा रहा था मैं पगले, मैं ये कह रहा था। हाँ मैं तेरे से एक बात करना चाहता हूँ कि भाई देख। हाँ बोल। लगन को हमने चिंगारी दे दी है उसका गोल्ड चुरा के, ठीक है वो तो दे ही दी है, पर अब चिंगारी से आग भी लग गई है उसके सीने पे। हाँ पर अब आगे का क्या प्रोसीजर होने वाला है? आगे का प्रोसीजर में हम कल बात करेंगे, सारी बातें आज ही बता दूंगा, तो कल के लिए क्या कंटेंट छोड़ेगा? बिल्कुल बात हो इसी दोस्तों, इसी बात पर लाइक करें जल्दी से, लाइक करो दोस्तों। और फाइनली हम दोस्तों स्पोर्ट कस्टम्स आ चुके हैं फाइनली। ओ माय गॉड, ओ बाप रे बाप दोस्तों, मेरा तो भाई साहब छाती में दर्द हो गया इतनी गाड़ियां देख के। ऑल राइट चला जाओ। ओ भाई रे। हाँ तो ये है मेरा दोस्त डेविड, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है भाई। और डेविड क्या हाल है चूरन है? और मेरी बात सुन, अब जो हमारा गोल्ड था जो कि हमने कल यहाँ पर चोरी किया था, ठीक है, हमारे उस गोल्ड से 10 गाड़ियां टोटल बनी है, और वादा मेरा था कि मैं तेरे को यहाँ पर देख। मुझे पता है, मुझे पता है अभी तेरा हंसने का और मतलब खेलने का बहुत दिल कर रहा है, आई नो दैट, बट मैं जो मेरी बात सुन, क्या सीन? हाँ चल सुना मेरी बात सुन। देख मैं बिजनेस के मामले में ना बिल्कुल स्ट्रेट इंसान हूँ, और मैं ना बिल्कुल मैं बिल्कुल स्ट्रेट बातें करना यहाँ पर जो है पसंद भी करता हूँ, ठीक है। मैं सीधे तरीके बातें करूं तो मैं देख सीधे तरीके से यहां पर बताना चाहूंगा, एक गाड़ी तेरी है, 9 गाड़ियां मेरी हैं। एक गाड़ी भाई? हाँ और मेरी बात सुन, और जोन सी भी तुझे लैम्बोर्गिनी सारी चेक कर ले, जोन सी भी तेरे को पसंद आ रही हो एक गाड़ी उठ निकाल ले। यार देख कैसी बातें कर रहा है, जोन सा तू मुझे देना चाहे ना वो गाड़ी भाई, नहीं जोन सा मॉडल तेरे को पसंद आ रहा है, किसी में कुछ डिफेक्ट भी हो सकता है, अपना पसंद कर ले गाड़ी और उठा ले। अरे यार भाई तू जैसी देगा ना, अरे भाई उठा ले जब मैं चल ठीक है, मैं आंख बंद करके कोई भी ले लेता हूँ। हाँ देख ले ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जोन सी गाड़ी के सामने गाइस, वही गाड़ी मैं ले लूंगा। ओके तो मैं इस गाड़ी के सामने हूँ तो मैं ये वाली गाड़ी ले लूंगा। चल निकाल स्टार्ट कर इसे। ओके आजा बैठना मेरे साथ। हाँ मैं बैठ रहा हूँ, निकाल के बाहर तो ला गाड़ी स्टार्ट। ओ माय गॉड लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस। चल बाहर ले आ। ओके बढ़िया बात है। ऑल राइट तो मैं भी तेरे साथ एक गाड़ी लेकर चलता हूँ, चला जा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरी गोल्ड कार हमारी। ऑल राइट गाइस, तो बाकी की 9 गाड़ियाँ मेरी हैं और एक गाड़ी दोस्तों मैंने यहाँ पर इस वाले बाकी को दे दी। बताऊँ? हाँ बता। कमेंट सेक्शन में लिखा था 50-50 गोल्ड होगा भाई। नहीं नहीं भाई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी धोखा कर रहा है दोस्तों ये तुम्हारे साथ, देख रहे हो? आ जा जल्दी आ। चल 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 मैं तेरे पीछे हूँ, झुमका दिलाऊंगा इंडिकेटर चलाऊंगा। ओ भाई साहब भगा रहा है, ओहो दोस्तों
भाई साहब क्या एग्जॉस्ट की साउंड है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों, एक नंबर का मजा आ रहा है। अरे क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग प्रावा भाई, इन गाड़ियों कुछ नहीं हो सकता, समझ रहा है, इन गाड़ियों कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक सेकंड गाइस, मैं चेकिंग करूँ, इस गाड़ी को कुछ नहीं हो सकता, इसका कहने का मतलब तो ये है गाड़ी को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओ भाई कुछ भी नहीं हो रहा, अरे मेरी स्क्रैच आ गया है, आ गया दिखा, हाँ कहाँ आया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बैठ के देख, देखो जरा यार, थोड़े अपनी देर, अब थोड़ी देर में अपने आप हील तो नहीं हो जाता वो। नहीं नहीं देख क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ये मेरे साथ भाई कॉमेडी कर रहा है, वो थोड़ी देर में गाइस दोस्तों अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें ये टेक्नोलॉजी डाल दी भाई ने। भाई मैंने नहीं डाली, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह का इन गाड़ियों के अंदर बेसिकली यूज किया वो यहाँ पर डेविड ने किया। अच्छा डॉग्स पर चलते हैं, चलो डॉग्स पर चलते हैं दोस्तों। भाई साहब पीले 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 पीले, क्या भाग रही है गाड़ियों दोस्तों, आप देख सकते हो, ये रही हमारी गोल्ड कार दोस्तों, क्या मस्त लग रही है गाड़ी भाई, वेरी वेरी गॉर्जियस लग रही है मित्र ये तो। भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है यार, थोड़ा आराम से चला लेना ये भाई, का झोंके से उड़ रहा है भाई, इन गाड़ियों को कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसका एक्सट्रीम टेस्ट लेकर देख रहा हूँ। एक्सट्रीम टेस्ट ले रहे, अच्छा रोक लेते हैं गाड़ी, आ जा। हाँ रुक जा इधर आ। भाई साहब दोस्तों मैं तो देख के पगला आ गया, इतनी तगड़ी गाड़ी भाई, देख तू है ना पगलाएगा ही, समझ गया। हाँ कोई नहीं, मैं पगलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया तू? मैं जरा अपनी गाड़ी को टेस्ट कर रहा हूँ। और मैं भी करना चाहूंगा, तो दोस्तों वो अपनी गाड़ी को टेस्ट कर रहा है, मैं भी उसके साथ टेस्टिंग करूँगा अपनी गाड़ी की, लेट्स गो टू नो। अरे किस साइड गया, इस साइड ही गया गाइस वो, मैं तो इधर ही हूं, हमारी लैम्बोर्गिनी किसी से कम है। मैं जस्ट ये देख रहा था कि मेरी गाड़ी ड्रिफ्ट कितना अच्छा कर सकती है भाई, मेरी तेरे से ज्यादा ड्रिफ्ट मारती है देख। अच्छा लेट्स गो, ड्रिफ्ट किंग हूँ मैं, ठीक है डीके हूँ मैं, डीके। हाँ बताऊंगा थोड़ी, तेरे जैसे डीके 70 आते हैं 70 जाते हैं, समझ गया, आ जाता है यार। आ जा चल, आ जा 3-2-1 कर ले, इधर आ देख, हमारे पास दोनों के पास दोस्तों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है, अब ड्राइवर की बात होगी, चल जल्दी आ। ड्राइवर की बात नहीं होगी दोस्तों, हाँ बता, अभी बोलना नहीं चाहता पर ठीक है। हाँ इधर आ, चल आ जा जल्दी आ, थोड़ा सा सीरियस मैटर होता है यहाँ, आ जा जा। हाँ पर ठीक है, ये देखना। हाँ एक ये कर, दो ये देखो गाइस, चल जल्दी आ, मैं ड्रिफ्ट की हूँ दोस्तों, देख लो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ ठीक है इधर आ जल्दी, कितनी प्यारी लग रही है, आ गया चल चल आ जा, मैं तो रिवर्स में आ रहा हूँ बेटे, 2-3 अरे रुकना मैं रेडी थोड़ी था, चल आ गया, एक रुक जा रुक जा, 1-2-3 गाइस तुमने देखा है, आप देख इसने इसने चीटिंग की है, जीत किसकी हुई, ओनली अक्षू गेमिंग की। रुक जाओ अब ना इसको बाहर निकालना, फेंक कर पड़ना पड़ेगा ये दोस्तों, पता नहीं बंदा कहां से आ गया हमारे बीच में। एट तो मेरी बात सुन, अब यहां से एक रेस और होगी, चल आ जा रुक जा, चल 1-2-3 तो दोस्तों रेस तो देखो, आपको पता है तुम्हारा अक्षू भाई जीत रहा है। अबे बासुन 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 जल्दी आ जल्दी 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 जल्दी, अरे 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 ये गाड़ी पानी में घुस गई, शिट यार इसमें बटन है क्या कोई पानी से निकलने का? अबे नहीं है भाई, तूने गोल्ड गाड़ी फालतू में यार पागल आदमी ने नीचे गिरवा दी यार, तेरी मस्ती के चक्कर में दोस्तों देख रहे हो गोल्ड, यार अपने दोस्त से कह के ये गाड़ी निकलवा दी हो ना। ओके तो गाइस यार ये गाड़ी इसने पानी में गिरवा दी है गोल्ड कार, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, गोल्ड कार पानी में गिर गई, वो मैं डेविड को बोल करना दोस्तों इस गाड़ी को वापस निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी मुझे भी ऊपर जाना है। ओ तू भी गिर गया क्या? मैं पानी में ही हूँ। तू भी पानी में है? अबे नहीं मैं पानी के नीचे आया था ना उसको गाड़ी को अपनी देखने के लिए कि ठीक है बिल्कुल या नहीं। ओ भाई अब मुझे लोकेशन का पता चल गया ना कहाँ पर मेरी गाड़ी पड़ी है, वो तो मैं निकलवा लूंगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या यार इस गाड़ी में ना पावर ही इतनी है, ये आउट ऑफ कंट्रोल जी होगी, पगली बोली मैं तो चली उड़ती उड़ती। हाँ वो तो मैं तेरे को उड़ाऊंगा कल, ठीक है देख रहे हो दोस्तों क्या सीन हो गया क्या नहीं, पर चलो कोई नहीं, आ जा मेरे पीछे हमेशा आ जा ना। अबे भाई मेरी बात सुन, मैं ना पानी के अंदर हूँ और मैं ना दूसरे वाले किनारे पर आ रहा हूँ, ठीक है तू ना मुझे वहां से आके उठा ले एक बार। दूसरे किनारे पे कहाँ आ रहा तू? सामने वाले किनारे पे आ रहा हूँ ना मैं तो ऊपर चढ़ गया ना सीढ़ी से, मेरे पास आ जा। कहाँ पर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया तू? कहाँ है भाई? रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को भी यहाँ पर पहले ऊपर आने का कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। अरे यहाँ सीढ़ी है देख, जहाँ मैं खड़ा हूँ दिख रहा हूँ मैं? हाँ दिखी दिखी दिखी। मैं ऊपर आ गया हूँ, मेरे को ना जिधर से यहाँ पे जंप कराते हैं ना लास्ट में वो आता है,
उधर आ। ऑल राइट गाइस, मैं इधर खड़ा रह के इसका जो इंतजार कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी तो दोस्तों इस बंदे ने, यार तू किस साइड है मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई जहाँ से इधर जाते हुए जंप नहीं मारते क्या, दूसरी तरफ रोड भाग जाता है वो, वहाँ पर वो है। मैं तो बोट के पास हूँ। बोट के पास एक जंप वाला इलाका नहीं है, भूल गया? बोट के पास जंप वाला इलाका, अच्छा वो जहाँ से हमने अपनी जंप लगाई। हाँ हाँ जल्दी आ, वहाँ है। हाँ मैं वहाँ पहुँच गया, बोट के बिल्कुल ओशियन मोशन, ओशियन मोशन दोस्तों। इस कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ हम अभी गोल्ड कार में घूम रहे थे, कहाँ मैं किसी की वोल्वो चुरा के भाग रहा हूँ। चलो दोस्तों, क्यों गोल्ड कार कहाँ गई तेरी? मेरी गोल्ड कार पानी में गिर गई। तेरी भी? और क्या, कैसे? मैंने जंप लगाई इतनी तगड़ी, पानी में गिर गई। यार कैसा बंदा है यार ये गाइस। यार तू कैसा बंदा, मैंने सोचा तेरी नहीं गिरी, तू मेरी देखने आया है। शिट यार गाइस, गाड़ियां दोनों की पानी में गिर चुकी हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस गाड़ी का मैं निकलवाऊंगा। आ जा, ला गाड़ी में चलाता हूं। बैठ, दोनों ही गोल्ड कार पानी में दोस्तों। हाँ मेरी बात सुन, हाँ मेरी बात सुन, अपनी गाड़ी है ना यहाँ पर खुद निकलवाना ठीक है, और गाड़ी निकलवा लेना और जगह याद रखना, क्योंकि अगर गाड़ी अब तेरी घूमी ना याद है, वरना मैं उस चीज का भी यहाँ पर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, जिम्मेदार तू ही है, तू अपनी निकलवाएगा, मेरी भी निकलवा दूँ। और कैसी बातें कर रहा है यार, मैं की और कुछ कुछ। हाँ चल ठीक है, मैं तेरी गाड़ी भी निकलवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, हम इस बंदे की भी गाड़ी यहाँ पर जो है निकलवाई देंगे। ठीक है, और डगन की ऐसी ऐसी भी करने ही वाले हैं दोस्तों हम, बस डगन बॉस की तो देख ऐसी तैसी यहाँ पर करनी पड़ेगी। डगन का यूं असला देगा मारूंगा दोस्तों, यूं असला चलाया। हाँ लगे 40 से 40 से वो। चलो दोस्तों फाइनली अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं, स्पोर्ट कस्टम्स पर, और यहाँ पर बेचारे डेविड ने मेरी और जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी की सारी यहाँ पर खड़ी कर। हाँ बोल, ये गोल्ड कार देख के ना मेरे को एक नंबर का। हाँ चल, इसमें तेरी एक भी गोल्ड गाड़ी नहीं है, तेरी जितनी गोल्ड कार्स थी ना वहीं पर पड़ी है। ठीक है, मेरी बात सुन ना, एक मेरी बात सुनियो। सुना, कॉमन सेंस लगा एक। ठीक है, गोल्ड कार है, है नहीं? हाँ मैं यहाँ से एक ले भी लूंगा, मेरे पास तो दो फिर भी है ना, वो वाली निकलवा लियो। क्यों क्यों, यहाँ से मैं देने नहीं वाला हूँ, अपनी कल को निकलवाना। ठीक है तो गाइज, यार मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो यहाँ पर आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक दोस्तों, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं आप पर आपसे मिलूंगा लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय गाइज। तो चलिए मैं अपने भाइयों के दोस्तों यहाँ पर जो है कॉमेंट्स वगैरह पढ़ लेता हूँ। चलिए भाई, आपकी न्यू GF एल रूबियो की बेटी है क्या वाकई में? देखो मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो ना हर एक की इमेजिनेशन की हर एक अलग स्टोरी है। ठीक है, और देखो काइली जो है बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी तुम्हारा क्या कहना है कमेंट करिए बताइए। अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ओल्ड इज गोल्ड वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई मोटर दिखा, लैंड क्रूजर मलाई चाचा, अरे भाई क्या बात है। आई लव यू टू। हेलो भाई क्या हाल हैं? सौरभ भाई बहुत बढ़िया मेरे भाई, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपके हाल कैसे हैं आप बताइए। आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, मेरा नाम गवार खान है, गवार खान। हेलो मेरे भाई गवार खान, कैसे हो भाई? आप इंडियन कार की रैली निकालो अगले वीडियो में, ठीक है मेरे भाई, ऐसा ही करेंगे। ओपी इन द चैट भाई, सिस्टम कर रहे हो, थैंक यू सो मच मेरे भाई, नाइस वीडियो मेरे ब्रदर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। जिमी को भी लाओ ना आपके एपिसोड में भी, दक्षु गेमिंग वॉइस, ओके ब्रदर लाएंगे। अरिश भाई आप कायली से शादी कर लो प्लीज़, ठीक है भाई ऐसे ही करेंगे, कायली से शादी ही करेंगे, ठीक है ना। और देखो वैसे मैं कायली को शादी के लिए जो है प्रपोज़ करने वाला हूँ, और हम काफ़ी जल्दी बेसिकली शादी भी जो है करेंगे, मैं कायली से शादी करूँगा भाई। माइकल की बॉडी नहीं है प्लीज़, ठीक है भाई बनाएंगे, नाइस एपिसोड ब्रेन, थैंक यू। हेलो भाई प्लीज़ रिप्लाई माई कमेंट, यू आर द बेस्ट यूट्यूबर, लव फ्रॉम गुजरात। S1 थैंक यू सो मच मेरे भाई, प्रमोट कर दो, ठीक है। ट्रिप 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 ट्रिप। आरिश भाई अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को ट्रिप पर लेकर जाओ, ठीक है चलो लेकर चलेंगे, बढ़िया नाइस भाई। डायमंड कसिनो का ओनर बन जाओ, ठीक है मेरे भाई, नाइस वीडियो में मेरे भाई, जल्दी जल्दी वीडियो डालते हो, बहुत मेहनत करते हो। माई नेम इज़ मुस्तकीम अली, मुस्तकीम अली मेरे भाई, लव यू। और इतना ज़्यादा देखो तुम लोग ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तुम मेरी वीडियोस देखते हो,
और मतलब बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, तो मैं अंदर से खुद ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ, ठीक है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे वीडियोस लेकर आता हूँ, ठीक है भाई। काइली एल रूबियो की बेटी है वाकई में, वोट फॉर माइकल एंड काइली मैरिज। यस भाई, माइकल वाइकल बच्चे चाहिए, जल्दी पैदा करो, पापा बन जाओ। लेटेस्ट एपिसोड वेरी नाइस क्वालिटी, सुपर्ब, लव यू आयुष भाई, हार्ड वर्किंग, थैंक यू सो मच। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे बच्चे तो ऑलरेडी हैं गाइस। आयुष भाई, काइली का बैकग्राउंड निकालो और अपने बारे में बताओ, बारे में बताओ, काइली को बैकग्राउंड निकालो, एनिमी वाला सीन हो जाए। सही कह रहे हो तुम, कल को करते हैं ऐसा। आई लव यू भाई, एक महिंद्रा थार ले लो, ले लेंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो, हेलो ब्रदर भाई। न्यू पेट, ठीक है मेरे भाई, न्यू पेट भी लेंगे। माइकल ओपी, थैंक यू। एसपीजी सिक्योरिटी ले लो, नूब सिक्योरिटी। हाँ वैसे तुमने सही बोला, नूब ही सिक्योरिटी है वो, कोई बढ़िया सिक्योरिटी नहीं है। डगन वर्सेस माइकल, हाय भाई, लव फ्रॉम पाकिस्तान। भाई आप कैसे हो भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई लव GTA 5, थैंक यू सो मच। तो जब तुम GTA 5 को इतना प्यार देते हो, तो जब GTA 6 आएगा तब क्या हाल होने वाला है, मतलब मैं ये सोचता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए तब क्या हाल होने वाला है। हाय हेलो MC स्कैम, बढ़िया। हाय ब्रदर, अबे ये वीडियो चालू क्यों नहीं होता। अरे वो होता है कभी कभी। भाई आप मेरा कल वाला कमेंट वीडियो में नहीं ले रहे हो, और अक्षु भाई के साथ आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, जिमी की वॉइस में बीच में, लव यू भाई। अक्षु भाई के साथ मेरी वीडियोस आती हैं, और वो जो वीडियोस आती है ना वो आरिश खान चैनल पर आती हैं, तो मेक श्योर आप जल्दी से जाकर वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पर जाकर वीडियोस देखें हमारे जिमी वाली। ब्रो आप पुराने कमेंट क्यों रीड करते हो। नहीं ब्रदर, मैं नए नए कमेंट्स रीड करता हूँ। आयुष भाई, काली को शादी करो भाई, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं आयुष भाई कल को शादी करो, मेंशन गिफ्ट दो जो एयरपोर्ट पर तुमने जैस्मिन को गिफ्ट में दिया था। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। काइली को डगन की सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लो। कर लेंगे मेरा भाई, ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसको उठाकर थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। नाइस, अब हुए सारे कमेंट। वंडरफुल एपिसोड, नाइस एपिसोड, अभी तू एपिसोड नहीं आया। माइकल ओपी, बढ़िया। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जितने भी कमेंट्स वगैरह थे मैंने अपने भाइयों के सारे यहाँ पर जो है रीड वगैरह कर लिए हैं, ठीक है, ऑल राइट। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आज का एपिसोड भी यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक दोस्तों यहाँ पर नहीं किया है तो। बाकी यार मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय।